नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में आज से कोरोना के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के खात्मा करने के मकसद से बिगुल फूंक दिया है। कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाला। सीएम शिवराज ने यह भी साफ कर दिया है कि हम नहीं चाहते कि एक बार फिर से प्रदेश लॉकडाउन के दौर से गुजरे। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार क्या क्या कवायद कर रही है, लॉकडाउन से बचना क्यों है जरूरी और क्या है प्रदेश में कोरोना की रफ्तार, इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में आज से कोरोना के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना का खात्मा करने के मकसद से बिगुल फूंक दिया है। कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना के खात्मे के लिए बकायदा सायरन भी बजाया गया। अगर नाक और मुंह आपने कवर कर लिया तो वायरस आपके नाक और मुंह के माध्यम से फेफड़े में प्रवेश नहीं कर सकता। 90% से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे आप मास्क लगाने भर से। और इसलिए मैं हाथ जोड़ के सभी से कह रहा हूं, प्रदेशवासियों से कृपया करके लापरवाही मत बरतिए। कई लोग कहते हैं एक साल से यहां पे तो नहीं हुआ तो भैया आगे भी नहीं होने देना। और जो मास्क नहीं पहनते उनसे मैं कह रहा हूं, केवल आप अपने लिए खतरा पैदा नहीं कर रहे, आप अपने बच्चों के लिए खतरा पैदा कर रहे। सीएम शिवराज ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की, साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि हम नहीं चाहते कि हम एक बार फिर से लॉकडाउन के दौर से गुजरे। मेरे भाइयों, फिर से कोरोना को कंट्रोल करना है मध्य प्रदेश की धरती पर। मैं नहीं चाहता कि लॉकडाउन लगे, हम तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, गरीब की रोजी रोटी चली जाती है, दुकान व्यापार सब बंद, तो फिर चलेंगे कैसे? और ये भयानक स्थिति की तरफ नहीं जाना है, इसलिए सावधान रहना है। और कोई रास्ता नहीं बचा तो फिर कोई रास्ता है, हम नहीं जाना चाहते उस रास्ते। मेरी होली मेरे घर, अपने घर को होली मना लें। पानी वाली होली, रंग गुलाल एक दूसरे को लगाने वाली होली, इससे बचना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों। सीएम ने स्व सहायता समूह को युद्ध स्तर पर मास्क बनाने के आदेश दिए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि मास्क की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, मास्क सरकार भी उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगी। मैंने सारे महिला सेंटर ग्रुप को कहा कि युद्ध स्तर पर मास्क बनाए, पर कई बार मास्क की जगह आप अपने अंगोछे का भी गमछे का भी उपयोग कर सकते, नाक और मुंह पूरे कवर होना चाहिए। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के 3 शहरों में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ चुकी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में देखना यह है कि सरकार के ये प्रयास कोरोना रोकने में कितने सफल हो पाते हैं। टीम न्यूज टेक। मैं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज ने आज सभी दलों से अपील की है, जनता को बचाने के लिए सभी दल साथ आए। चुनाव के समय राजनीति करते रहेंगे, सभी धर्मगुरुओं से भी सीएम ने अपील की है। लोगों को जागरूक करने के लिए सीएम ने अपील की है और कहा कि अभी समय ऐसा है कि हमें सभी साथ आकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। सभी धर्मगुरुओं से अपील करता हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, बोहरा, वो भी अपील करें। सारे राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, गोरवाना गणतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सब इकट्ठे हो जाओ इस बात में। चुनाव के टाइम लड़ते रहेंगे अभी सब इकट्ठे, क्योंकि लोगों को बचाना। व्यापारी भाइयों से अपील करता हूं, व्यापारी संगठनों से, आपका भी प्रभाव है, आप उसका उपयोग करके आप खुद दुकान पर मास्क लगा के बैठे, और कोई बिना मास्क का आए तो टोक के उसको मास्क लगवाए, सैनिटाइजर रखे दुकान। तो मुख्यमंत्री ने तो बिल्कुल फूंक दिया है। अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं ये कितने कारगर साबित होंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपन तोमर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। और अजीत भदौरिया जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजीत जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा सर। मुख्यमंत्री ने आज अपील की है
कि ये समय अब राजनीति का नहीं है, हम सबको एक होकर लड़ना होगा कोरोना के खिलाफ। आज से जिस अभियान की शुरुआत हुई है, क्या कांग्रेस पार्टी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी सामने से आकर, और सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है, आपको लगता है कि इससे कोरोना काबू किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है। पहले भी कई महामारियां आई, उन महामारियों को बिना किसी प्रचार प्रसार के, बिना किसी इवेंट मैनेजमेंट के जो भी सरकारें रहीं उन्होंने उसको काबू में किया, ना कि करोड़ों रुपए खर्च किए उसके विज्ञापनों में और लोगों को आपदा में अवसर तलाशने का, जैसे लगातार काम शिवराज सिंह सरकार करती चली जा रही है और घोटालों पे घोटाले लगातार करती चली जा रही। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा साथ में खड़ी है सरकार के, परंतु उसकी सरकार की मंशा साफ सुथरी होना चाहिए। आज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 1,37,454 लोगों के वैक्सीनेशन का मोबाइल नंबर एक ही है। आप देखिए, 1,37,454 लोगों का मोबाइल नंबर एक ही है वैक्सीनेशन में, तो ये क्या है? आज ग्वालियर की खबर है कि 35 लोगों को कल वापस लौटा दिया गया क्योंकि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की कमी है। बुधवार तक वैक्सीन आएगी, क्यों? क्योंकि साहब 1,125 करोड़ रुपए के वैक्सीन मुफ्त में पाकिस्तान को दे दिए मोदी जी ने, ये तो वस्तु स्थिति हो रही। अरे आप अपनी मंशा साफ रखिए। आप आज इवेंट मना रहे हैं शिवराज सिंह जी अपने लूट की सरकार का एक वर्ष होने का, आप अपने मन में। लेकिन सारी चीजें ठीक है अजीत जी, अजीत जी देखिए, आज जो मैंने सवाल पूछा और जो मुख्यमंत्री ने भी कहा, उन्होंने कहा कि राजनीति आरोप प्रत्यारोप ये लगाते रहिएगा, अभी समय जो है आप ये कहिए कि हाँ हम भी जाएंगे बाजारों में, लोगों को जागरूक करेंगे, जाएंगे हम, अगर आपको मार्केटिंग नहीं करनी है मत कीजिए सर, मत फोटो खिंचवाइए, जाकर चुपचाप दुकानदारों के यहाँ पर गोले बनवा दीजिए। वही तो आज गृहमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, इसमें क्या साथ देंगे आपका? बिल्कुल देंगे, कांग्रेस पार्टी तो सरकार के हर अच्छे कार्य के साथ खड़ी है, परंतु आदरणीय एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये है कि शिवराज सिंह जी के मंत्री, शिवराज सिंह जी स्वयं, उनके अधिकारी जिस तरीके से घोटाले लगातार कर रहे हैं, उसमें भी तो सजग करने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। दोनों मसले अलग है ना सर, दोनों मसले अलग हैं। मैं कहां मना कर रहा हूं सर कि आप इस जिम्मेदारी को मत निभाइए, लेकिन एक और जिम्मेदारी है ना हमारे सामने, मैं इस पर एक रिएक्शन लेता हूँ। तपन जी मुस्कुरा रही है थोड़ा। तपन जी, विपक्ष का ये कहना है कि अभी भी मार्केटिंग ज्यादा हो रही है और हम साथ आने के लिए तैयार हैं, हमने कब मना किया, लेकिन मार्केटिंग की जरूरत नहीं है उसमें। लोकेंद्र जी, सबसे पहले तो जो ग्वालियर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, एक ऑटो और बस के एक्सीडेंट में जो 12-13 लोग शांत हो गए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के समस्त निवासियों की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज एक वर्ष पूर्ण हुए हैं कोरोना से लड़ते हुए हमको, और जिस तरह से एक सफलतम युद्ध की ओर हम आए हैं, जब पूरा वैश्विक महामारी की ओर पूरा विश्व जूझ रहा था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष ने जिस तरह से पटकनी दी, और फरवरी तक हम लोग देख रहे थे कि कोरोना लगभग समाप्ति की ओर था, लेकिन स्वाभाविक है कि जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी, और इसी आधार पर हम देख सकते हैं कि फिर से कोरोना जिस तरह से मुंह उठा रहा है। तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने, जिनकी सरकार को आज एक वर्ष पूर्ण हो गया है, सफलतम वर्ष पूर्ण हो गया है, जहां एक और कांग्रेस की सरकार आईफा पर पैसे खर्च करके और उसमें अपना प्रचार प्रसार करने के प्रयास पर थी, वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक वर्ष पहले बनी थी और उसके बाद जिस तरह से हमने युद्ध लड़ा, लोगों को मुफ्त अनाज पहुंचाया, सैनिटाइजर पहुंचाए, अस्पताल में मुफ्त इलाज की खुद आज ही कहा है, और बहुत अच्छी बात है, होना यही चाहिए था। आज की डिबेट में भी मैं ये उम्मीद कर रहा था कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी कि राजनीति के लिए सर आने वाले निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, वहां पर कर लेंगे, उपचुनाव है दमोह में, वहां कर लेंगे, आज कम से कम एक हो जाए। वो आपकी कमियां बता रहे हैं, आप उनकी कमियां बता रहे हैं, एकता तो नहीं दिखाई दे रही यहां पर। कोरोना को लेकर कोई बेहतर सुझाव वो दिखाई नहीं।
नहीं देखिए लोकेंद्र जी, बेहतर सुझाव और प्रयास तो वही होते हैं जो माननीय शिवराज जी की सरकार ने कर करके दिखाए। जिस तरह से मुफ्त इलाज मिला, मुफ्त अनाज मिला, वेंटिलेशन मास्क मिले, सैनिटाइजर मिला, तो स्वाभाविक है कि हम सभी लोग, मध्य प्रदेश भी जिस तरह से कोरोना मुक्त होने की ओर आगे बढ़ा था, कहीं ना कहीं जब हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख चार शहरों में कोरोना फिर से सर उठा रहा है, तो आज जिस तरह से सायरन बजा करके सभी लोगों को मास्क पहनने की ओर जागरूक करने का प्रयास किया है। आप याद कीजिए कि जब हमने ताली और थाली बजाई थी तब भी ये कांग्रेस सरकार, जिसको केंद्र सरकार के साथ खड़े होना चाहिए था, कांग्रेस को, विपक्ष को, वहीं वो कह रहे थे कि इससे क्या कोरोना भागेगा, जबकि जो कोरोना वॉरियर्स थे, फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, डॉक्टर्स थे, पुलिसकर्मी थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपको लेकिन इस चीज को ये बहुत महत्वपूर्ण था कि इसको अभी हमें गली मोहल्ले में लेकर जाना पड़ेगा, बाजारों में लेकर जाना पड़ेगा जहां अभी भी भीड़ दिखाई दे रही है। दीप्ति बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री ने जो अपील की है आज बहुत शानदार अपील है, और इस वक्त जिस स्थिति में हम हैं उसकी जरूरत है कि एक होना पड़ेगा। जिस तरीके से हम शुरुआत में एक हुए थे, हमें उस तरीके से लोगों को जागरूक करना पड़ेगा अब वापस से। मैं आ रहा हूं तपन जी आपके पास, दीप्ति आपसे सवाल था। देखिए अपील अच्छी कही जा सकती है, जो उसका तरीका है कि दो बार, हाँ अपील अच्छी कही जा सकती है, दो बार सायरन बजा के जिस तरीके से अवेयरनेस की बात कही गई, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बात होती है कि सायरन इसलिए बजा था कि मास्क लगाना था, और मुख्यमंत्री खुद निकल पड़े हैं मैदान में, वो खुद लोगों को मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं, तो निश्चित ही अपील बेहतर है, अच्छी है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री निकलते हैं तो उनके साथ काफ़ी लंबा चौड़ा काफिला भी निकलता है, और चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट जाती है, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का फर्क तो दिखाई देता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जैसा पालन होना चाहिए शायद वो नहीं होता। लेकिन अब कोरोना को लेकर जो स्थितियाँ जिस तरीके से वापस आ गई हैं, एक साल बाद वापस जिस तेज़ी से कोरोना बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं कि जो स्लोगन दिया गया है या फिर जो कहा गया है कि मास्क लगाइए, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, तो मास्क लगाना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, निश्चित ही इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है कि बचा जा सके, क्योंकि इतने लंबे समय तक तो किसी तरह बचा गया है, लंबे लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था पर भी बहुत फर्क पड़ा है, इसलिए बहुत साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब कम से कम लॉकडाउन विकल्प नहीं होगा, तो लॉकडाउन के अलावा क्या होगा, उसके लिए खुद मुख्यमंत्री भी निकले हैं। लेकिन बात वही है कि एक दिन के लिए अवेयरनेस तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दिन के बाद लोग इसको फॉलो करते हैं या नहीं, क्योंकि रोज रोज मुख्यमंत्री भी शायद नहीं निकल सकते और उनके नुमाइंदे भी शायद नहीं निकल सकते, क्योंकि उसकी बड़ी वजह है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रभाव होता है, दूसरा मुख्यमंत्री ने एक बार निकल कर अपना उदाहरण दे दिया, तो कम से कम अब इस बात का ध्यान अब प्रशासन को रखना होगा कि जिस चीज की अपील मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो उसके लिए उनको कैसे सख्ती से निपटना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्क लगाने की न लगाने की सजा को शायद बढ़ाना होगा, कहीं ना कहीं मास्क नहीं लगाने को लेकर प्रशासन को सख्ती बरतनी होगी कि मास्क क्यों लगाएं, किस लिए लगाएं, और अगर नहीं लगाएंगे तो किस तरह का जो है सजा दी जाएगी, बल्कि इस तरह से कोई पनिशमेंट या वो हो सकता है कि आप जहां जा रहे हैं आप उसे छोड़ के आधे घंटे वहीं रुके रहिए, तो आप कितनी जल्दी में निकले थे जो आपने मास्क नहीं लगाया, ऐसा कितना जरूरी काम था, तो इस तरह के कोई ना कोई, भले वो आर्थिक दंड नहीं हो, लेकिन इस तरह की कोई ना कोई सजा के चलते या किस तरह की कोई ना कोई एक सख्ती बरतनी चाहिए शायद प्रशासन को, क्योंकि ठीक है मुख्यमंत्री खुद निकले हैं, दो बार सायरन बजेगा, लेकिन ये सब कोई तरीका नहीं है कम से कम इस चीज़ का कि हम कोरोना पे काबू पा सकें। एक तरीका हो सकता है अवेयरनेस का, जो आज बखूबी करी जा रही है, लेकिन इस अवेयरनेस के बाद क्या, अगर लोग खुद अवेयर नहीं होंगे तो फिर मुख्यमंत्री की तरफ से की हुई अपील हो चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से की हुई अपील हो, लोगों को मानना पड़ेगा, और अगर वो नहीं मानेंगे तो कैसे इससे बचा जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब इन सब के बाद भी प्रशासन को सख्ती बरतनी होगी। और रही बात बीजेपी और कांग्रेस, तो ये दोनों ही दल तो कोरोना के मामले में भी राजनीति करते रहे हैं। अभी जो है तपन जी बोल रही थी कि कोरोना को पटकनी दी, तो पटकनी क्या दी, बल्कि कोशिश ये करी कि हम काफ़ी हद तक बचें, और इसमें जिस तरह से पॉपुलेशन है इंडिया की उस हिसाब से तो काफ़ी हद तक हम कोरोना से बचे हैं, लेकिन आगे कैसे बचेंगे, ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर नहीं है, कम से कम ये नेताओं को भी समझना होगा। वही मैं लगातार कह रही थी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री निकले हैं, अब कहीं ना कहीं उनके नुमाइंदे, चाहे वो वहां के जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, उनको सबको और इसी पर मैं एक सवाल तपन जी से लेना चाह रहा था। तपन जी, आज मुख्यमंत्री ने संदेश दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर स्वागत में उनके लोग खड़े होते हैं, वो चौपाले कर रहे हैं, छोटी छोटी रैलियां कर रहे हैं, वहाँ पर फोटो खिंचाने के चक्कर में मास्क चेहरों पर नहीं रहता है, और भूलिएगा मत कि जल्द ही निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव देर सवेर होने ही हैं प्रदेश में, तो ये सारी चीज़ें नेता पहले अपने पर भी लागू करेंगे क्या?
नहीं देखिए देखिए लोकेंद्र जी, हम तो अपने आप पर लागू कर ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि अभी दीप्ति जी ने कहा, जनता के भी जागरूक होने की आवश्यकता है, और वो भी दो गज की दूरी और मास्क भी है जरूरी, इसका पालन करेगी तो स्वाभाविक है सब लोग मिलजुल करके काम कर पाएंगे। आप ये देखिए कि जनप्रतिनिधि अगर अपने क्षेत्र में जाता है तो वो विकास के लिए जाता है, जन जागृति के लिए जाता है, अपने क्षेत्र का हालचाल पूछने के लिए जाता है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की तरह वल्लभ भवन में बैठ करके सरकार चलाता है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन यही तो दिक्कत है तपन जी, फिर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी, मुख्यमंत्री की अपील का पालन कैसे होगा, मुख्यमंत्री की अपील का पालन कैसे होगा, अगर ये चुनाव का मोह, भीड़ का मोह नहीं छोड़ पाएंगे नेता तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी। ये मोह है नेताओं का, जो विकास के काम है सड़क खुद नेता नहीं बनाता जाके वहां पर, मीडिया हाउस है, हाँ शिकायतों के लिए पत्र आ जाते हैं, वो पढ़ सकते हैं शिकायतों के। थोड़ा सा इस और ध्यान आकर्षण कराना चाहती हूँ, नहीं लोकेंद्र जी मैं आपका ध्यान इस और आकर्षण कराना चाहती हूँ कि जैसे मीडिया हाउसेज होते हैं वो भी जाते हैं कवरेज करने के लिए, लेकिन वो भी सावधानी का पालन करते हैं, दो गज दूरी मास्क जरूरी का पालन करते हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर मीडिया के कैमरों को देखकर नेता उनके कार्यकर्ता भूल जाते हैं फोटो खिंचाने के चक्कर में, जन जागरूकता के लिए जनता भी जिम्मेदार होती है और जनता को भी चाहिए कि वो इस चीजों का पालन करे। लेकिन मैं यहाँ पर भदौरिया जी के कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हूँ कि ये कांग्रेस की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ करके आके जो यहाँ पर आंकड़े देते हैं तो वो अपने पास रखे आंकड़े, और इस बात पर गिरेबान पे जाके कि कांग्रेस की महाराष्ट्र में सरकार है और आज भारत देश महाराष्ट्र का कोरोना से जूझ रहा है, हाँ। और वहां ये क्या पालन करा रहे हैं, हम आज मध्यप्रदेश पर फोकस रहेंगे, कंपैरिजन मैं नहीं चाहता कि आज हो, और मेरे सहयोगी विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं एक रिएक्शन उनसे भी ले लेता हूं, उसके बाद मैं अजीत जी मौका दूंगा आपको बोलने का, आप हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से, मैं सर मौका दूंगा आपको, लेकिन सबसे पहले विनोद, आज बड़ी अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, असर दिखाई देना शुरू हुआ है क्या, लोगों के बीच कुछ मैसेज गया है कि वापस हमें उसी स्थिति में आना है, जागरूकता जागरूक रहना है, मास्क पहनना है? देखिए मुख्यमंत्री ने आज जो अपील की है, इससे पहले इससे बड़ी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी, उन्होंने भी थाली बजवाई थी और भी ऐसी चीजें करवाई थी जिसको लोग लेकर लोगों को ये लगा था कि शायद इस तरह के सायरन और इस तरह की आवाज़ सुनकर कोरोना भाग जाएगा, लेकिन कोरोना का संक्रमण और बढ़ा। अब सायरन बजाकर मुख्यमंत्री ने जो अपील की है वो कहीं ना कहीं ज़रूर एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को संदेश भेजने की कोशिश की गई है कि कम से कम कानों तक आवाज़ पहुंचे तो लोग ये पूछें कि किस लिए, कि भाई अपना मास्क पहनो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो इसलिए। हो सकता है इसका असर लोगों को दिखाई दे, अभी अभी तो थोड़ी देर पहले, एक घंटे पहले ही इस पूरी जो किया था मुख्यमंत्री ने, संदेश दिया था और सायरन बजाया था, ग्वालियर में भी तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम भी उसी में शामिल हुए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी देखने को मिली हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट अब हमें देखने को मिलेगा शाम तक, कल तक लोग क्या कहते हैं, किस तरह का रिएक्शन आता है। फिलहाल तो सायरन बज गया है और लोगों से कहा गया है कि वो मास्क पहने क्योंकि मास्क जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो शायद कोरोना को हराया जा सकता है। हालांकि पहले भी एक पहल हुई थी, लेकिन कोरोना हारता है सोशल डिस्टेंसिंग से, ये बात सही है, जो निर्देश दिए जाते हैं गाइडलाइंस के उनका पालन करें उससे हारता है, लेकिन भीड़ कम कर दें तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भीड़ कम नहीं हो पाती है, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो या आम लोगों को कह सकते हैं कि आप कार्यक्रम कम से कम कीजिए, लेकिन हमें चुनावी कार्यक्रम भी कम करने होंगे। अजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे, सर जल्दी से अपनी बात रखिए आप। देखिए लोकेन जी, शिवराज सिंह जी प्रदेश के मुखिया हैं, प्रशासनिक मुखिया, डबल स्टैंडर्ड की बात उनको शोभा नहीं देती, अब 15 साल से 16 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, आप डबल स्टैंडर्ड कैसे अपना रहे, आपको अपने ऊपर महाराष्ट्र पर भी ध्यान दे दीजिए, ये दोहरा चरित्र क्यों, बंगाल आसाम से, अरे आप बहन जी मुझे बोल रहे, महाराष्ट्र में जिस तरह से घपले घोटाले हो रहे हैं और 100 करोड़ हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मुझे एक मिनट सुन लेते हैं पहले, बीच में टोका टाकी सही नहीं है, एक मिनट सुन लेते हैं जी। अजीत जी, बहन जी मैं डबल स्टैंडर्ड लोकेन जी कैसे, सरकार क्या कर रही है क्या ये बताएंगे, आसाम बंगाल से डबल स्टैंडर्ड तो कांग्रेस के, आपने अपना कोविड टेस्ट कराया क्या शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में आके, या 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हुए क्या, आप आज दुकानदारों के पास जा रहे हैं न्यू मार्केट में, अपने हाथ से मास्क पहना रहे हैं उनके ऊपर, खुदा ना खासा आप अगर संक्रमित होके आए हो तो फिर क्या हालत होगी उन दुकानदारों की, आप ये डबल स्टैंडर्ड क्यों अपना रहे हैं। शिवराज सिंह जी और नरेंद्र सिंह मोदी जी में दोनों में होड़ लगी हुई है, शिवराज सिंह जी अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी के बाद शिवराज सिंह चौहान,
तो इसलिए जो इवेंट नरेंद्र मोदी करते हैं उसको फॉलो शिवराज सिंह जी करने चले जाते हैं। तो ये लेकिन अपने आप में मनोस्थिति आपको लगता है ये इवेंट है? पड़ेगी प्रशासनिक, हाँ प्रशासनिक मुखिया के नाते लोकेंद्र जी कि हमें ईमानदारी से इस कोरोना की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, ना कि इवेंट पे इवेंट करना पड़ेंगे, ना कि अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा इवेंट के रूप में। ये शिवराज सिंह जी को छोड़ना पड़ेगा और ईमानदारी से खुद पे लागू करें वो चीज, फिर आम जनता से अपील। ये बड़ी बात है तपन जी, जल्दी से जवाब दीजिए, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास। नहीं देखिए, जिनके राहुल गांधी जाके वहां केरल में और समुद्र में डुबकी मार देते हैं और विशेष विदेश यात्रा से जब लौटते हैं तो कितने बार क्वारंटाइन हुए, अजीत जी मुझे बता दें। और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में जिस तरह से नूरा कुश्ती हो रही है, मानक जी को निकलवा दिया, अरुण यादव जी हैं, या उधर पर जो G23 है उस पर भी ये थोड़ा ध्यान देते हैं वहां पर कौन सी नूरा कुश्ती चल रही है। कुल मिलाकर शिवराज जी ने विकास का काम किया है इस एक साल में, जिस तरह से मुफ्त अनाज पहुंचाया है। नियम तो सबके लिए एक जैसे होंगे ना तपन जी, नियम सबके लिए एक जैसे होंगे या नहीं होंगे? मध्य प्रदेश का अगर कोई वासी है तो उसके लिए एक जैसे नियम तो होने चाहिए। मध्य प्रदेश का अगर कोई वासी है तो उसके लिए नियम एक जैसे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? साथ काम कर रहे हैं सब लोग, साथ आए हैं सभी लोग, साथ आए, बस कांग्रेस है जिसको अपनी सत्ता और अपने संगठन में जब कंट्रोल नहीं रह गया है तो वो दूसरों को ज्ञान दे। मैं बताइए कहां गलत कह रहा हूं, मेरी बात बता दीजिए अगर गलत है। अगर नेता प्रचार में जाएंगे तपन जी, तपन जी अगर नेता प्रचार करने जाएंगे क्वारंटाइन हुए बता दें तो क्या जी, तो फिर तो आम लोगों को भी नहीं होना चाहिए क्वारंटीन, आप ये कह रही हैं? नहीं कमलनाथ जी अभी पश्चिम बंगाल गए थे उसके बाद कितनी बार क्वारंटाइन हुए? आम लोगों को भी नहीं होना चाहिए फिर? आप दोनों यही मान रहे हैं? अजीत जी यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं? नहीं नहीं मैं तो मान रहा हूँ कि प्रशासनिक नहीं, देखिए कुल मिलाकर के हम तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये लोग गिद्ध राजनीति करते हैं। ठीक है, ये राजनीति इसी तरीके से चलती रहेगी लेकिन सावधानी इसी में ही है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे, नेता फिलहाल राजनीति करते रहेंगे। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और ये बहसबाजी चलती रहेगी इसी तरीके से, आप जागरूक रहें। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।